नमस्कार, सत्यहिंदी .com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। एयरसेल मैक्सिस केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम को अग्रिम जमानत मिल गई है। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि गिरफ्तारी की स्थिति में चिदम्बरम और कार्ति को 1,00,000 रुपए के निजी मुचलके पर तुरंत रिहा किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने चिदम्बरम और कार्ति को गवाहों व सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने और जाँच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से आईएनएक्स मीडिया मामले में झटका लगा है। अदालत ने चिदम्बरम की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। अब ये संभावना जताई जा रही है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी चिदम्बरम को गिरफ्तार कर सकता है। आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदम्बरम अभी भी सीबीआई की हिरासत में है। सुप्रीम कोर्ट ने सना इल्तिजा जावेद को अपनी मां महबूबा मुफ्ती से मिलने की अनुमति दे दी है। सना ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी मां की सेहत को लेकर चिंता जताई थी क्योंकि वो 1 महीने से उनसे नहीं मिली हैं। बता दें, महबूबा को 4 अगस्त को कश्मीर के और नेताओं के साथ हिरासत में ले लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में अस्वस्थ चल रहे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को दिल्ली के एम्स में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। बता दें, लेफ्ट नेता को जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद से ही घर में नजरबंद रखा गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको वहीं उचित सुविधा उपलब्ध है। रूस में आयोजित 5वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत रूस के सुदूर क्षेत्र के विकास के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की कर्ज सुविधा देगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच भरोसे का रिश्ता है और हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि भारत रूस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है और आगामी समय में हम मिलकर स्पेस का दरिया भी पार कर लेंगे। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पेट्रोल और डीजल वाहनों को लेकर बड़ा बयान दिया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस पर चर्चा चल रही थी और मंत्रालय को सुझाव मिला कि पेट्रोल डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार का पेट्रोल डीजल गाड़ियों पर बैन लगाने का कोई इरादा नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गिरती अर्थव्यवस्था पर एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हर दिन मंदी की खबर और हर दिन भाजपा सरकार की इस पर खामोशी, दोनों बहुत ही खतरनाक हैं। प्रियंका ने कहा कि इस सरकार के पास ना हल है और ना देशवासियों को भरोसा दिलाने का बल। पंजाब के तरन तारण में विस्फोट की खबर है। इस विस्फोट में 2 लोगों की मौत होने और 1 व्यक्ति के घायल होने की खबर है। फॉरेंसिक टीम स्पॉट पर पहुंच गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भाई जो जॉनसन ने ब्रिटिश सरकार से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही जॉनसन ने बतौर सांसद भी इस्तीफा दे दिया है। जो जॉनसन का इस्तीफा बोरिस जॉनसन द्वारा कंजर्वेटिव पार्टी से 21 सांसदों को निकालने के बाद आया है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी सांसद तरमनजीत सिंह ढेसी ने बुधवार को संसद में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को जमकर घेरा। उन्होंने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को पीएम बनने से पहले मुस्लिम महिलाओं पर की गई उनकी नस्लभेदी टिप्पणी के लिए माफी मांगने को कहा। दरअसल साल 2018 में बोरिस जॉनसन ने द टेलीग्राफ के एक लेख में लिखा था कि जो महिलाएं बुर्का पहनती हैं वो किसी लेटर बॉक्स या बैंक लूटने वाले की तरह दिखती हैं। उनकी इस टिप्पणी पर तरमनजीत सिंह ने उनसे माफी की मांग की। स्पेनिश स्टार राफेल नडाल ने अर्जेंटीना के डियोगो श्वार्ट्जमैन को हरा कर US ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। नडाल ने अर्जेंटीना के खिलाड़ी को 6-4, 7-5, 6-2 से शिकस्त दी। अब सेमीफाइनल में उनका सामना इटली के मार्टियो बेरेटिनी से होगा। अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर और हाल ही में टीम के कप्तान चुने गए राशिद खान ने गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मैच में टॉस पर आते ही एक नया इतिहास रच दिया। राशिद अब टेस्ट मैच में कप्तानी करने वाले सबसे युवा कप्तान है। राशिद की उम्र 20 साल 350 दिन है। इससे पहले यह रिकॉर्ड जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान टटेंडा ताइबू के नाम था। दक्षिण अफ्रीका ए ने भारत ए टीम को बारिश से प्रभावित मैच में डकबर्त लुइस के आधार पर 4 रनों से हरा दिया है। 5 मैचों की अनऑफिशियल वनडे सीरीज के 4th मैच में दक्षिण अफ्रीका ने 25 ओवर में 1 विकेट पर 137 रन बनाए थे। बारिश के चलते मैच को 25-25 ओवर का कर दिया गया और जब बारिश नहीं रुकी तो मैच को रिजर्व डे पर खेला गया। इंडिया ए को 25 ओवर में जीत के लिए 193 रनों का लक्ष्य मिला लेकिन इंडिया ए 25 ओवर में 9 विकेट पर 188 रन ही बना सकी। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।